सो स्टूडेंट्स, टुडे आर टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। आज हम कंपैरिजन ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कंपैरिजन ऑफ नंबर। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, कुछ नंबर्स हमें दिए गए हैं। इन नंबर्स में हमें पहला क्वेश्चन क्या है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है इस रो में, और सेकंड में क्या करना है, हमें ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर हमारे कौन से होते हैं, देखो जो हम अपना काउंटिंग करते हैं 1 to 100 तक, हमें यहाँ पे उसमें से कुछ नंबर चूज करके दिए हुए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इस सीरीज में हमारे काउंटिंग के अकॉर्डिंग जो नंबर पहले आता है वो क्या हो जाता है, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आता है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि पहले सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है, 5, 19, 26, 41, 2, इन सब में पहला नंबर कौन सा है जो हमारे काउंटिंग के अकॉर्डिंग पहले आता है, वही हमारा क्या हो जाता है, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है। ठीक है, 41, ठीक है, 26, 19, 5, बट 5 से भी पहले क्या आता है, 2। ठीक है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट में देखिए, 78, 7, 47, 96, 62, तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कौन सा होगा, हमारी काउंटिंग के अकॉर्डिंग हमारा सबसे पहले नंबर कौन सा आता है, 7, इसलिए हमारा 7 क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसी देखेंगे, 21, 32, 54, 85, 93, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर हो गया, तो सबसे छोटा क्या हो गया, 21। इसी तरह नेक्स्ट में देखिए, 20, 39, 27, 11, 75, तो सबसे पहला क्या आएगा इसमें, 11, तो 11 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या करना है, हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारा काउंटिंग के अकॉर्डिंग लास्ट में नंबर आता है वो क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वाली रो में क्या हो जाएगा, 92 सबसे लास्ट में आएगा, पहले 1 आएगा, फिर 29 आएगा, फिर 33 आएगा, देन 45, और लास्ट में क्या आएगा, 92, इसलिए 92 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। ऐसी नेक्स्ट देखिए, 21, 52, 34, 59 या 68, तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 68। ठीक है, फिर 36, 13, 91, 9 और 10, तो इसमें सबसे लास्ट में हमारा कौन सा आएगा, 91, तो 91 इज ग्रेटेस्ट नंबर। नेक्स्ट देखिए, 37, 87, 60, 57 या 70, तो इसमें हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, जो लास्ट में आएगा, यानी कि 87। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर इज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉल नंबर आता है, उसके बाद बिग, और उसके बाद लास्ट में सबसे लार्ज नंबर। ठीक है, इसी तरह हम असेंडिंग ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं, सबसे पहले छोटा स्मॉलेस्ट नंबर, और इसी तरह लास्ट में हमें लार्जेस्ट नंबर मिल जाता है पूरी सीरीज में। नेक्स्ट आता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा था। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं और लास्ट में हमें लार्जेस्ट नंबर मिल जाता है, और उसी तरह क्या होता है, डिसेंडिंग में हम सबसे पहले लार्जेस्ट लिखते हैं और लास्ट में हमें स्मॉल नंबर मिल जाता है, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। डिसेंडिंग में हम सबसे पहले लार्जेस्ट लिखेंगे और लास्ट में हमें एक स्मॉल नंबर मिल जाएगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अगर हम एक याद लेते हैं तो दूसरा में ऑटोमेटिकली लर्न हो जाता है। जैसे असेंडिंग ऑर्डर क्या है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो डिसेंडिंग क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इन नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, क्योंकि हमें इसमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाना होता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 13। ठीक है, अब 13 के बाद हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, इसमें 13 के बाद जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 29। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 29। अब 29 के बाद हम अपने काउंटिंग 1 to 100 जो काउंटिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसके बाद क्या आएगा हमारा, 63। ओके, देन 63 के बाद 75, उसके बाद 81 लास्ट में। ठीक है, तो इस तरह हमें क्या हो गया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, हमारा स्मॉल और लार्ज नंबर मिल गया। ठीक है, सेकंड में भी हमें यही करना है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है हमारा, 24। ठीक है, इसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा, 24। 24 के बाद क्या आएगा,
अकॉर्डिंग टू द काउंटिंग 39, ठीक है, उसके बाद 45, देन 53, और लास्ट में हमारा क्या जाएगा 92। इस तरह हमें क्या मिल जाएगा, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर की सीरीज मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिक्रीज, घटता हुआ क्रम, ठीक है, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉल। अभी हमने जो किया था ये क्या किया था, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इसमें हमें लास्ट में क्या मिला था, लार्जेस्ट नंबर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या मिलेगा लास्ट में, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या लिखना होगा, ग्रेटर नंबर लिखना होगा, ठीक है। तो हमारा ग्रेटर नंबर इसमें सबसे क्या है, 95, जो हमारे काउंटिंग के अकॉर्डिंग लास्ट में आता है, ठीक है, 95। उसके बाद क्या है जो बचे उनमें से, 81, उसके बाद 70, और फिर क्या बचा, 57 और 28। तो 57 हमारा बड़ा है और उसके बाद 28 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 40, 14, 58, 8 और 36। इसमें हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 58, ठीक है। 58 के बाद अब हम देखेंगे इन सब में हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 40, उसके बाद क्या बचा, 36, 14 और 8। इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 36, 8 और 14 में बड़ा क्या है, 14 और लास्ट में 8। ये हमारा क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर।